जनता की बात YouTube न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आबिद मलिक। आज हम आपको G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बताएंगे, उसके इतिहास के बारे में बताएंगे। इस साल 2023 दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आर्थिक मंच है। 19 देश और एक यूरोपियन संघ इसमें शामिल होता है। जो देश G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ शामिल होता है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल मुल्क 85% GDP, 75% विश्व व्यापार और 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। 2022 में इंडोनेशिया ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस साल भारत और आने वाले साल यानी 2024 में ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इसका इतिहास के बारे में जानते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, जब दुनिया एशियाई आर्थिक संकट को देखने के बाद इस मंच की स्थापना हुई थी। सबसे पहले इस शिखर सम्मेलन में गवर्नर और वित्त मंत्री भाग लेते थे, मगर 2008 के बाद जब दुनिया ने महा आर्थिक मंदी को देखा, उसके बाद से इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होने लगे। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 में जिन विषय पर फोकस दिया जाता है, जैसे व्यापार, जलवायु परिवर्तन, विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, G20 शिखर सम्मेलन 2 ट्रैक पर काम करता है। पहला फाइनेंस ट्रैक, दूसरा शेरपा। फाइनेंस ट्रैक में वित्त मंत्री और गवर्नर आर्थिक मामले पर बात करते हैं। शेरपा में राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों पर बात की जाती है। इस साल 2023 में दिल्ली में बड़ी शान शौकत के साथ G20 का 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।